नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जोमैटो एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑनलाइन फूड डिलीवर करती है और आपके घर बैठे आपको सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। खाने के अंदर कुछ भी आप ऑर्डर करें, आपको आधे से पौन घंटे के अंदर आपको डिलीवर करती है। एक किस्सा, ऐसा ही हकीकत का किस्सा हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको जातिकरण का मिलेगा बहुत सारा कुछ देखने को, और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू से आखिरी तक बने रहे हमारे साथ एसएम न्यूज के साथ। ये किस्सा है जबलपुर का। जबलपुर में जब अमित शुक्ला जी के यहाँ पर ये खाना पहुंचा तो उन्होंने बातचीत करते हुए उसका फूड डिलीवर बॉय का नाम पूछा तो उन्होंने पता लगा कि एक गैर हिंदू है, मतलब कि वो हिंदू नहीं है, एक मुस्लिम परिवार से है। अब क्या था, शुक्ला जी ने अपना खाना उनको थमाया और अंदर आ गए। उन्होंने कहा थोड़ा होल्ड करें और उसके बाद उन्होंने जोमेटो कंपनी के जो हेड और डिपार्टमेंट था उसको उन्होंने फोन लगाया और उन्होंने कहा कि सावन के अंदर मैं किसी भी गैर हिंदू के हाथ का खाना नहीं खा सकता हूं और ये एक मुस्लिम परिवार का है, क्या आप इस फूड बॉय को चेंज कर सकते हैं। पर जोमेटो कंपनी से आया कि सर, इस तरीके का फूड में कोई हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करते, इसलिए हम इस तरीके का कोई भी प्रावधान आपके लिए नहीं कर सकते। जोमेटो कंपनी ने अमित शुक्ला जी का खाना कैंसिल कर दिया, लेकिन ये बात अमित जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करी और उनको मेल द्वारा बताया कि मेरा खाना जो कैंसिल हो गया है, आप इस तरीके से मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति के हाथों को, जो गैर हिंदू है उसके हाथों से आप मुझे खाना नहीं खिला सकते, ना उसके ऊपर आप जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पे मेल डाला कि इसके लिए मेरा वकील आपसे बात करेगा, लेकिन जोमेटो कंपनी का जो जवाब आया वो बहुत खूबसूरत था। जोमेटो कंपनी ने जवाब दिया कि जो खाना होता है वो किसी मजहब का नहीं होता है, बल्कि खुद ही अपने आप में खाना जो होता है वो एक मजहब होता है। अमित शुक्ला जी ने सारी लाइनें ट्विटर अकाउंट पे डाल दी और ट्विटर अकाउंट पे जैसे जैसे लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू करा तो इसमें बहुत सारे लोग जोमेटो की तारीफ करने लगे और बहुत सारे लोग इसमें अमित शुक्ला जी के पक्ष में भी आ गए। अब आप इस बात को समझिए, बोला जाता है 85% के अंदर SC ST OBC के लोग आते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े और मुस्लिम सभी लोग आते हैं, लेकिन उनके हाथों का खाना बना हुआ नहीं खाना चाहते थे अमित शुक्ला जी। इस बात को बहुत नजाकत से लेना पड़ेगा कि आज भी जिसे डिजिटल इंडिया बोला जाता है, आज देश अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है, लेकिन आप उसके हाथ का भी खाना नहीं खा सकते जो आपकी जाति का नहीं है। कितनी विशेष बात है, कितनी गहरी बात है, और इस बात को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आज भी शहरों के अंदर जातिकरण का हिसाब बहुत जोरों पर बोलबाला होता है। अमित शुक्ला जी ने क्या सही किया नहीं किया, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि अमित शुक्ला जी का जो तथ्य था वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि जाति आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी अपराध भी होता है। जोमेटो कंपनी जो है एक विदेशी कंपनी है और अगर इस तरीके के भेदभाव को लेकर पार्शियलिटी करेंगे लोग तो फिर कैसे बाहर की कंपनियां हमारे देश के अंदर निवेश करेंगी और कहां से डेवलप और टेक्नोलॉजी कहां तक आ पाएगी हमारे देश के अंदर और कहां तक हो पाएगा विकसित देश जिसे डिजिटल इंडिया बोला जाता है। कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया जब तक मानसिकता ही लोगों की सही नहीं होगी, बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आज भी कोई भी मंत्री, नेता, अभिनेता किसी भी बहुजन के घर खाना खाने जाता है या सोशल मंत्री समाज के पीछे घर में खाना खाने जाता है तो उसको TRP मिलती है, क्योंकि वो एक विशेष मुद्दा होता है। किसी भी गरीब आदिवासी के घर में खाना खाने से TRP मिलती है, सिर्फ इसलिए वो उसके घर में खाना खाता है। कब आएगा इस देश में बराबरी की हिस्सेदारी, कब मिलेगी लोगों को बराबरी का अधिकार। अमित शुक्ला जैसे बहुत मानसिक रोगी लोग हैं जिनको अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है आप जब कहीं रोड पे खड़े होकर पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या कोई बनी हुई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को खाते हैं तो आपको उससे पहले का उसका इतिहास जानना होगा कि यह सामान हिंदू ने बनाया है, मुस्लिम ने बनाया है या किसी SC ST OBC के व्यक्ति विशेष ने बनाया है, क्योंकि जब तक आप उसकी जाति नहीं जानेंगे तो आप खा भी नहीं सकते। जब आपके किसी बच्चे का जन्म होता है या आपके यहाँ कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी जाति जरूर पूछ लें, ताकि अमित शुक्ला जैसे लोग हैं उनकी मानसिकता का इलाज जरूर हो सके।
कहां से उनका बच्चा पढ़कर आ रहा है, कौन से स्कूल में जा रहा है, कहीं वो जो बस और ट्रेन चलाने वाला है वो अनुसूचित जाति जनजाति का तो नहीं है या कोई मुस्लिम परिवार का तो नहीं है। अमित शुक्ला जैसे विशेषतर लोगों को अपनी मानसिकता का इलाज जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके यहाँ अखबार कौन डालता है, आपके यहाँ दूध की बोतल देने कौन आता है, जो दुकानदार है वो किस बिरादरी का है। आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी। जो आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपका बच्चा खेलने जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, या आप जो जॉब कर रहे हैं उसका बॉस कौन है, कब तक ये मानसिकता रहेगी लोगों की, और इस मानसिकता से निकलने के लिए, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने के लिए इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बराबरी की हिस्सेदारी, सबको अधिकार है, शिक्षा का सबको अधिकार है, सब समाज का सबको विकसित अधिकार है, इस देश के अंदर महिला पुरुष को कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार है। हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को सब तक फैलाया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।